वेलकम इकोनोमाइंड्स, सबका स्वागत है आपके इस वीडियो में जहां पे अब हम बात करने वाले हैं चैलेंजेबल एंड डाउटफुल क्वेश्चंस, जो कि यूजीसी नेट 2023 जून के पेपर में था, इकोनॉमिक्स के पेपर में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर ये वाला क्वेश्चन चैलेंजेबल है, ये वाला क्वेश्चन डाउटफुल है। लेकिन इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पेपर 2 इकोनॉमिक्स से चैलेंजेबल है। I repeat, there are only 3 questions जो कि paper 2 economics से challenge कर सकते हैं। But before I start with this, just a small information, the new batch will be starting from the 11th of July. So be ready for that. Next, so पहला question देखते हैं। This is the question ID 901064. So 901064 question ID. यहां पे लिखा हुआ है here is a given international organization and their headquarters. So यहां पे gate का हेडक्वार्टर, IMF का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह वगैरह। एनडीए के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 4, और लेट्स सी व्हाट शुड बी द आंसर। सो गेट का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, बिल्कुल ठीक है। IMF का वाशिंगटन है, सही है। वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन है। IDA दैट इज द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA एक पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। सो इसका न्यूयॉर्क नहीं है, इसका भी वाशिंगटन DC है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, बिल्कुल सही है, दिस इज मल्डो योंग, एंड ये जो है ये है मनाली में है, राइट। सो ये भी सही है। तो द आंसर इज ABCE। तो ये ABCE जो कि ये बिल्कुल सही है। प्लीज डोंट चैलेंज दिस क्वेश्चन, दिस इज 100% एक्यूरेट, करेक्ट। प्लीज डोंट चैलेंज दिस, दिस इज फन। आप अगर चैलेंज करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसका फायदा नहीं होगा बिकॉज ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है 901072। सो यहां पे इंडिया की पॉपुलेशन के साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है ऑन डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशन। सो सबसे पहले है रैपिड हाई ग्रोथ रेट, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट विद डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन, स्टेडी ग्रोथ रेट, और एनडीए के हिसाब से इसका आंसर है 2। सो लेट्स सी दिस, ये होना चाहिए। सो रैपिड हाई ग्रोथ जो है, मैं इसको आपको पहले आंसर को बता देता हूं। रैपिड हाई ग्रोथ जो है That is 1951 से लेके 81 के बीच में है। स्टैग्नेंट पॉपुलेशन जो है वो 1901 से लेके 1921 तक था। 1921 वॉज द पीरियड ऑफ द ग्रेट डिवाइड। और हाई ग्रोथ रेट सम जो है दिस साइन, दिस इज बेसिकली 1981 से लेके 2011 तक है। एंड स्टेडी ग्रोथ रेट जो है वो 1921 से लेके 51 तक है। सो इस तरीके से है ये। सो 1951-81 जो है दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए आप ऑप्शन नंबर 3, 1981-2011 ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट, 1901 से लेके 1921, तो ये ऑप्शन इसके बीच में लाई कर सकता है, तो हम इसको फोर्थ ऑप्शन कह सकते हैं, फोर्थ। एंड 1921 से लेके 51, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। अब अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो ये बन जाएगा 3, देन यू हैव 4, देन यू हैव 1, एंड देन यू हैव 2। So, ये हो जाएगा 3 4 1 2, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। सो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो स्टूडेंट ने यहां पे किया है वो गलत है, द ऑप्शन शुड बी 2। सो ये भी चैलेंजेबल क्वेश्चन नहीं है, डाउटफुल था। मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश की, दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली फाइन, प्लीज डोंट चैलेंज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद द सेम मॉनेटरी बेस विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू एन इंक्रीज इन द ब्रॉड मनी। सो ऑप्शन क्वेश्चन आईडी है ये 90 10 28। अब इस क्वेश्चन में सेम मॉनेटरी बेस है, यानी कि मॉनेटरी बेस यानी हाई पावर्ड मनी बेस मनी सेम है, और हम यहां पे प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज नो प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी, राइट। सो यहां पे क्या हुआ, किस वजह से, इनमें से किस वजह से, निम्नलिखित में से किस वजह से इंक्रीज इन ब्रॉड मनी होगा। ब्रॉड मनी का मतलब आपका M3 प्लस टाइम डिपॉजिट आ जाता है। नाउ हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द डिपॉजिट इन टू कैश, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यहां पे हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से लोग बॉन्ड्स में या डिपॉजिट्स में या टाइम डिपॉजिट में पैसा नहीं रखेंगे, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स अ हाई ट्रांजेक्शन एंड देयर विल बी अ लॉस ऑफ वैल्यू। सो जो भी अभी इस टाइम पे टाइम डिपॉजिट में पैसा है वो हमेशा के लिए वहीं पे रहेगा, नया नहीं होगा। सो देयर विल बी नो न्यू टाइम डिपॉजिट, बिकॉज लोग कहेंगे इसमें तो खर्चा बहुत ज्यादा है। कुछ स्टूडेंट इसको कहते हैं कि सर ये अच्छा है क्योंकि हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से डिपॉजिट जो है वो रहेगा, लोग ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, बट वो लोग सोचेंगे जो कि ज्यादा सेविंग करना चाहते हैं।
बट अभी के लिए अगर मैं आपको या मैं अपने आप से पूछूं कि भाई आपको एक ऐसा टाइम डिपॉजिट मिल रहा है जहां पे अगर आपने पहले ही निकाला पैसा तो आपको बहुत ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा, या फिर आपको जब भी आप कैश में ट्रांसफर करेंगे कन्वर्ट करेंगे आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कमीशन चार्जेस ज्यादा होंगे, इतने पैसे कट जाएंगे, फाइल चार्जेस कट जाएंगी, अब क्या करेंगे? सो आपका आंसर भी होगा नहीं। तो इसीलिए ये जो है ये ब्रॉड मनी को इंक्रीज नहीं करेगा। हायर इन्वेस्टमेंट इन एसएलआर ठीक है ये, एंड ये यहाँ से हाई यूज ऑफ कैश, अगर ज्यादा लोग कैश करेंगे यूज, ये मेरे ख्याल से इनमें कोई डाउट नहीं है। डाउट आपका जो था मैंने फर्स्ट में क्लियर कर दिया, तो फर्स्ट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। हायर इन्वेस्टमेंट अंडर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेश इसमें भी नहीं होगा, बिकॉज एसएलआर का मतलब है जो बैंक्स हैं वो अपने पास उन एसेट्स का एक पोर्शन लिक्विड एसेट के रूप में रखेगा, जैसे 18% के करीब। इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग हैबिट्स, सो मोर पीपल इफ दे आर फाइनेंशियली अवेयर, दे आर फाइनेंशियली लिटरेट, उनको सारी चीजें पता है कि किस में कितना पैसा डालने से कितना रिस्क है, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कितने टाइम डिपॉजिट में कितना रिटर्न मिलेगा, उनकी बैंकिंग हैबिट अगर अच्छी हो जाए तो इसकी वजह से ब्रॉड मनी बढ़ेंगे। सो आई विल बी गोइंग विद ऑप्शन नंबर 4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। एनटीए का भी आंसर 4 है, तो प्लीज डोंट चैलेंज दिस, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है, प्लीज डोंट चैलेंज इट। इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इसके बारे में बताया कि सर ये क्वेश्चन भी गलत है, बट आई हैव अ डिफरेंट वर्जन। सो 90-10-59 ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपको मैं समझा देता हूँ क्या है ये। रामसे रूल के हिसाब से दैट इज द ऑप्टिमम कमोडिटी टैक्सेशन, यानी कि इनवर्स इलास्टिसिटी रूल के हिसाब से द टैक्स रेट शुड बी हायर ऑन द गुड्स दैट हैव द लोअर प्राइस इलास्टिसिटी, ये बिल्कुल सही है, राइट। तो दिस इज ऑप्शन जिसमें जिसकी ज्यादा जिसका लो इलास्टिसिटी है उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, हायर जिस कमोडिटी पे है। इफ द डिमांड इलास्टिसिटी इज इन अ मार्केट इज जीरो, द टैक्सेस शुड बी इम्पोज ओनली इन दैट मार्केट, बिकॉज डिमांड इलास्टिसिटी इन दैट मार्केट इज जीरो, यानी कि इलास्टिसिटी जीरो है तो टैक्सेस उसी में लगना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन को आप देखिए वैसे ही है ये। ए बी ऑप्शन बिल्कुल सेम है, ए ने कहा कि भाई टैक्स वहां लगाइए जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी कम है, बी कह रहा है कि जहां पे मांग की लोच एकदम जीरो है वहां पे टैक्सेस लगानी चाहिए, राइट। नाउ कमिंग टू द सी पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज रामसे रूल अप्लाइज टू टैक्सेशन ऑफ द गुड्स बट नॉट टू द टैक्सेशन ऑफ द इनकम, ये ऑप्शन जो है अगर आप देखें दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये क्यों गलत है, बिकॉज अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें व्हाट वाज द रामसे रूल, रामसे रूल का दूसरा नाम है इनवर्स इलास्टिसिटी रूल, यानी कि इट इज बेसिकली द ऑप्टिमम कमोडिटी टैक्सेस, राइट, बट नॉट टू द टैक्सेशन ऑफ इनकम। रामसे के इस रूल के बाद इसको अप्लाई किया गया है, इसको एक्सटेंड किया गया है टू द टैक्सेशन इनकम। सो दिस इज ट्रू इफ यू जस्ट सी द रामसे रूल, बट रामसे रूल का इम्प्लीकेशन भी है जिसके बाद उस पर सोशल जस्टिस भी किया जाता है। सो इट इज एप्लीकेबल, इट इज एक्सटेंडेड टू टैक्सेशन ऑफ द इनकम। हाँ, कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने रामसे रूल को एक्सटेंड किया, बिकॉज रामसे की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, ही वॉज अ ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट, आई थिंक 31 या 27 साल में उनकी डेथ हुई थी, लेकिन उसके बाद उनके काम को आगे बढ़ाया गया एंड रामसे रूल का नाम रामसे रूल ही दिया गया है। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वो रामसे रूल के ऊपर है, ये नहीं बोला गया कि इसको रामसे ने किया है या आगे आने वाले फॉलोइंग ऑथर्स ने किया है या इकोनॉमिस्ट ने किया है। सो दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज रामसे रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू दैट इनकम टैक्स ऑल्सो, टैक्सेशन ऑल्सो, राइट। रामसे रूल मिनिमाइज द एक्सेस बर्डन, दिस इज राइट। रामसे रूल डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन द सोशल जस्टिस, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज रामसे रूल की वजह से अगर आप एक बार थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि जिन कमोडिटीज का इलास्टिसिटी इज लेस, सो क्वेश्चन के हिसाब से जहां पे टैक्स ज्यादा लगाइए, टैक्स इज हाई वहां पे, जहां पे जिनकी इलास्टिसिटी इज लो। अब लो इलास्टिसिटी का मतलब दो चीजें होती हैं, या तो ये है बेसिकली इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स, राइट, जैसे कि हैबिट्यूएट हो गया, सिगरेट्स हो गया, टैक या अल्कोहल हो गया, जिसमें लोग चेंज नहीं कर सकते, और इन इलास्टिक में आपका दूसरा प्रोडक्ट भी आता है, दैट इज अ बेसिक कमोडिटीज। अब बेसिक कमोडिटीज नेसेसरी गुड्स पे अगर आपने टैक्सेस लगा दिए ज्यादा हाई रेट पे तो क्या होगा? सोशल जस्टिस नहीं होगा। इस टाइप के इकोनॉमी में, इस टाइप के सरकार को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, वो है जितना ज्यादा टैक्सेस मिले उतना बढ़िया, टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन इनका मॉडल होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज रामसे रूल डज नॉट नेसेसरी लीड्स इन द सोशल जस्टिस। तो दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली फाइन, प्लीज डोंट चैलेंज दिस, इसको चैलेंज करने से कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज रामसे रूल जो की था मैंने आपको बताया, रामसे रूल को यहाँ पे जो बोला गया है दैट इज अ रूल, इट इज नॉट अबाउट द वेदर द सेम रामसे हैज एक्सटेंडेड इट और नॉट।
सो ऑप्शन नंबर सी, इवन दो फ्रॉम द रामसे पर से, यानी कि उस इंसान के हिसाब से ये गलत है, हालांकि इसको काम को आगे एक्सटेंड किया गया था, इसीलिए हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टैक्सेशन, राइट। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। नाउ द चैलेंजेबल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो है 90 10 53 53, 90 10 53। तो कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द जीबीए आर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, इट इज द ट्रेड, होटल्स, इलेक्ट्रिसिटी इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एंड फाइनेंशियल रियल एस्टेट होता है। सो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए बीई डी या बी डी ए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसके लिए प्रूफ आप ये कर सकते हैं, आप ये दिखा सकते हैं उनको, मैं आपको ये दिखा देता हूं। सो ये है इकोनॉमिक सर्वे के स्निपेट्स हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्री, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब यहां पे आ गया है। कंस्ट्रक्शन भी इंडस्ट्री में आता है, सर्विस में ये आता है, ट्रेड, फाइनेंशियल और ये। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी बीई डी। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं, जब ये 2022 23 का स्निपेट है, ये 2021 22 का इकोनॉमिक सर्वे है, यहां पे भी आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग एक साथ, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एक साथ, और फिर ये सारा का सारा सर्विस सेक्टर है, जहां पे आ गया ट्रेड, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। आप चाहे तो यहां पे देख सकते हैं इसको। सो दिस इज द ऑप्शन, बी सही है, सी डी भी सही है एंड ई भी सही है। तो ये क्वेश्चन 100% चैलेंज है, प्लीज इसको चैलेंज कर लीजिएगा, आपका ये आंसर जिनका भी गलत है वो सही हो जाएगा। द करेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, द आंसर शुड बी बीई डी, ये करेक्ट इसका आंसर है, इसमें नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये आंसर होना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ इनएक्टमेंट। अब यहां पे एक थोड़ा सा हम देखते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे जब आप इसका देखेंगे, सो फेरा दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये आया था 1973 में, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आया था, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली रेगुलेशन ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये एक्ट आया था 1969 में। फॉरेन रेगुलेशन एक्ट ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सही से लिखा नहीं गया, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट नहीं है कुछ चीज, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट नहीं है, इट इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, राइट, ये इसका पूरा नाम है। तो यहां पे इन्होंने छोटा सा गलती कर दिया, बट एनीवे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है ये आया 1999 में, और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो 2010 में है। अब आप किसी भी तरीके से इसको मैच करके देखिए, आपका एनटीए का दिया गया आंसर मैच नहीं करेगा। सो ये आता है 1973, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहां पे आएगा 1969, दैट इज एमआरपीटी एक्ट, फिर आता है ऑप्शन ए जो कि है 1973, तो ये हो गया, उसके बाद आता है 1999, दैट इज ई 999, ये आ गया, और उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर बी 2002, और फिर आता है डी ऑप्शन दैट इज 2010, राइट। अब आप देखिए कि ये तीन ऑप्शन तो मैच हो जाने चाहिए किसी भी हालत में, राइट। सो सी ए ई, अगर आपको कंफ्यूजन डी में है तो डी को थोड़ा सा दूर रखिए अभी, तो सी ए ई तो होना ही चाहिए, ऐसा ऑप्शन कहीं यहां पे है ही नहीं, तो सी ए ई ऑप्शन ही नहीं है। तो यानी कि बी डी पे ये क्वेश्चन अटैक का नहीं है, इट इज नॉट अबाउट द डी, क्या है डी, एफ आर एक्ट कुछ है या कुछ और है, बट जो सबसे करीब इसके है दैट इज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट, और वो मैंने आपको बता दिया। सो ये इसका आंसर होना चाहिए सी ए बी डी, assuming that the D is called as Foreign Contribution Act. अगर आप D को कुछ और भी बोलेंगे तो भी CAE तो पहले ही आएगा, वो तो है नहीं कहीं। तो दिस इज 100% चैलेंजेबल, प्लीज डू चैलेंज दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन, इट इज अबाउट अरेंज द स्टेट इन द असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2020-21। So, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन 100% चैलेंज है। आप चाहे तो यहां पे इसका डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, मैं आपको ये टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो यू कैन शेयर इट, यू कैन टेक द स्निपेट फ्रॉम देयर। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, दोनों चीजें दे रखी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। मैं आपको इसका एक बार जो पॉइंट है मेरा वो मैं आपको दे देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, स्टेट वाइज डिटेल्स ऑफ द बैक टू बैक लोन रिलीज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2021, ये बिल्कुल एक्जैक्टली क्वेश्चन का ही पैरामीटर है। अब यहां से अगर आप देखें असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहां पे देखते हैं कर्नाटका हमारा कहां है, जस्ट एक बार जल्दी से ढूंढते हैं इसको। कर्नाटका ये रहा, मध्य प्रदेश ये रहा 13 नंबर, और तमिलनाडु इट इज हेयर दैट इज सी ऑप्शन,
तमिलनाडु 23 नंबर पे है, गुजरात जो है वो आ जाता है आपका 7 नंबर, ये है डी ऑप्शन, महाराष्ट्र इज समवेयर यहाँ पे, तो ये आ गया महाराष्ट्र ई ऑप्शन, राइट, महाराष्ट्र इज ई, ये है ये है ये है ये एंड ये है ये। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाउंट कितना बोरो किया गया है, तो अगर इसको जस्ट बोरो के हिसाब से अमाउंट ऑफ फंड रेस थ्रू द स्पेशल विंडो पास ऑन टू द स्टेट्स, राइट, हालांकि इसका आंसर जो है वो दोनों को मैच करके ही आना चाहिए, तो अगर आप देखें जस्ट लेट्स कैलकुलेट दिस, दिस इज एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5% अलाउड टू द स्टेट्स, सो गुजरात का जो है टोटल मिला के तकरीबन रफली मैं आपको बता रहा हूँ ये 16,000 के करीब है, राइट, और कर्नाटका इज समवेयर अराउंड 19,000 के करीब, राइट, 19,000 के करीब, मध्य प्रदेश समवेयर 8,000, महाराष्ट्र इज समवेयर 25,000 एंड तमिलनाडु समवेयर 5,995, इट इज 14,000, राइट, अराउंड 14,500, तो अब इसको मैच कर सकते हैं आप। सबसे पहले जो आ रहा है वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दैट इज एमपी, देन यू हैव मध्य प्रदेश आ गया, उसके बाद आता है आपका ये 19,000, ये है तमिलनाडु, फिर आता है सी दैट इज तमिलनाडु, देन यू हैव 16,000 दैट इज गुजरात दैट इज GUJ, उसके बाद आता है गुजरात के बाद आता है 19,000 कर्नाटका, सो कर्नाटका आता है उसके बाद कर्नाटका एंड देन यू हैव महाराष्ट्र, राइट, देन यू हैव महाराष्ट्र, ये ऑप्शन होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आंसर जो है वो आना चाहिए BCDAE, अगर मैंने सारा कैलकुलेशन ठीक किया है तो आप देख लेना, बट इसका आंसर जो है वो BCD से शुरुआत होनी चाहिए, यहां पे ऑप्शन जो दे रखा है वो है CBD, ये पूरा का पूरा गलत ऑप्शन है, सो इसका सही आंसर जो है वो है BCDAE, अगर आप ये वाला भी विंडो लेते हैं ओनली दिस मच, मैंने जैसे पहले किया था तो मैंने सिर्फ इसको इस पॉइंट को लिया था, दैट इज आई हैव टेकन कॉलम टू एंड कॉलम टू के हिसाब से आंसर आना चाहिए BCDADEA, और मैं अगर दोनों को ऐड करूं बिकॉज ये दोनों ही बोरोइंग है तो इसका आंसर हो जाता है BCDAE, सो किसी भी हालत में इसका आंसर CBDAE तो नहीं है, तो 100% चैलेंजेबल क्वेश्चन है ये। तो ये तीन क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ये जो है चैलेंजेबल है, मैं आपको दोबारा से इनके नंबर बता देता हूं, सो पहला वाला जो है दैट इज 53, दूसरा जो है वो है 79 और तीसरा जो है वो 78, सो 53, 79, 78, दीज आर द क्वेश्चन जो कि आप चैलेंज 100% तरीके से कर सकते हैं, और इसके बारे में कोई भी सोर्स अगर चाहिए इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम में इसमें बता दूंगा, और आपको इसमें ये PDF भी आई विल बी शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू। नाउ बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात किया मैं तकरीबन अराउंड 1,000 लोगों से मैंने कलेक्शन किया डेटा, 1,000 से ज्यादा ही कर चुका हूं मैं, तकरीबन 1,400 के करीब मैं डेटा कलेक्ट कर चुका हूँ इंडिविजुअल, 1,400 लोगों से मैंने कलेक्ट किया है, और इस बार का जो नंबर मेरे पास इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, तो अराउंड 50% जनता जो है वो आ रही है तकरीबन 150 से 170 80 80 के करीब है, तो 50% जनता जिनसे मेरे पेड बैच में है, जिनसे मैंने बात किया, जिनसे मैंने मेरी टीम ने कलेक्ट किया डेटा, उनका ये नंबर आ रहा है 50 152 80 180। मैंने जब पेपर दिया था जिस दिन दिया था उसी दिन मैंने आप सभी को बोला था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से है वो है 60 से लेके 61, दिस इज फॉर LS जनरल कैटेगरी, और JRF के लिए जो जाएगा दैट विल बी अराउंड 66% के करीब, JRF 65 से 66 के बीच में जाएगा इस बार, तो दिस इज मेरी एक्सपेक्टेशन है, सो 60 से 61, जिन स्टूडेंट्स के भी 180 से 186 के बीच में है यू आर इन अ सेफ जोन, मेरे हिसाब से तो ये कट ऑफ होना चाहिए, ये पेपर के हिसाब से दिस शुड बी द कट ऑफ, राइट, हालांकि जो स्टूडेंट 178 या अराउंड 179 के करीब है वो भी दिल मत हारना, क्योंकि अभी भी ये हुआ नहीं है, अभी भी चेंज हो सकते हैं, ये तीन क्वेश्चंस की वजह से हो सकता है कि आप जो है वो 4-2% आगे आ जाएंगे, सो टेंशन मत लो दोस्तों, जो पेपर गया जैसा गया अभी से पढ़ना शुरू कर दो दोबारा से, इस कट ऑफ को लेके ज्यादा सोचना मत, बिकॉज ऐसा रैंडम पेपर कहीं पे बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, तो एनीवे आई थिंक दिस इज व्हाट आई कैन आई वांट टू से, दीज आर द क्वेश्चन दैट आई थिंक यू कैन चैलेंज इट, अभी इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे भी अभी भी जो साइट है सर्वर जो है वो डाउन है NTA की साइट पे, आप टाइम लीजिए,
वैसे तो बोल रखा है कि 8 बजे तक इज द डेडलाइन, बट इफ यू वांट यू कैन, आई एम होपिंग कि 8 बजे के बाद भी आप चैलेंज कर सकते हैं, राइट? सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट एंड डोंट लूज द होप. जिनका नहीं हुआ टेंशन मत लो, दोबारा से डोंट गिव अप, ट्राई ट्राई ट्राई, लगे रहोगे तो अगर छोड़ोगे नहीं, लगे रहोगे तो आज नहीं तो कल होगा ही होगा. डोंट फील लो, फील लो करने से कुछ नहीं होगा, बाउंस बैक एंड नेक्स्ट टाइम इट इज योर्स. ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, डू लाइक द क्लास इफ यू लाइक इट, थैंक यू.